एक सोशल मीडिया से सवाल जो कुछ आए हैं, एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि कहीं आपने हिसाब दिया था एक दिन में आप जनता के लिए क्या क्या करते हैं, ये अगर आप बताएं जनता। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे पास अभी एग्जैक्ट आंकड़े याद नहीं है, वरना मैं कोई भी आंकड़ा बोलूंगा तो फैक्ट चेक वाले निकल पड़ेंगे। और ये मेरा पूरा महीने घंटे भर की मीटिंग और आपकी मेहनत सब पानी में जाएगा, क्यों एक आंकड़ा निकल आएगा, देखो मोदी झूठ बोला, मोदी झूठ बोला, मोदी झूठ बोला। मैं रजत जी से विशेष आग्रह करूंगा कि मैं इसका लिखित एक डिटेल भेज दूंगा आपको, ताकि कोई गलत जानकारी देश को नहीं जानी चाहिए। और जरूर आप अपने दर्शकों को इसी इंटरव्यू का हिस्सा बना करके दिखाइए, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। एक और सोशल मीडिया का सवाल है। अच्छा अच्छा, तुरंत मिल गया। अच्छा वाह, मैं अपने पास चीजें रेडी रखता हूँ वैसे, लेकिन मैंने सोचा था जी हाँ, लेकिन आपको इजाजत हो तो मैं पढ़ जी बताइए। अच्छा हो जाएगा ये। हाँ, हर रोज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 70,000 माताओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिल रहे हैं। हर रोज सौभाग्य योजना के तहत लगभग 50,000 घरों को बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। हर रोज जनधन योजना के तहत करीब 2,10,000 गरीबों के बैंक अकाउंट खुले हैं। हर रोज मुद्रा योजना के तहत लगभग 1,15,000 उद्यमियों को लोन दिए गए हैं। हर रोज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,000 से अधिक घर बन रहे हैं, जिसकी चाबी सुपुर्द की जा रही है। हर रोज स्वच्छ भारत मिशन के तहत 60,000 से अधिक शौचालय बन रहे हैं, 60,000 शौचालय पर डे। हर रोज करीब 1,30,000 किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है। हर रोज आयुष्मान भारत योजना के तहत 9,000 से अधिक मरीजों को मुफ्त में इलाज मिलता है। हर रोज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो सरकार की सहायता देती है, हर रोज डीबीटी के तहत 400 करोड़ से ज्यादा रकम गरीबों के खाते में सीधी जमा हो रही है पर डे। हर रोज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से करीब करीब 1,05,000 लोगों को लाभ मिल रहा है, अनगिनत संख्या में बता सकता हूँ। इस व्यक्ति ने ये सोशल मीडिया में कहा है, मेरी तरफ से उसका धन्यवाद कहिए। एक और सवाल सोशल मीडिया का मेरे पास में है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी हर रोज कहते हैं कि आपने वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। वो कह रहे हैं मैं हर जगह ढूंढ रहा हूं, आपने कहां वादा किया था ये तो बता दें कम से कम। मैं मानता हूं शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक व्यक्ति कितना झूठ बोल सकता है, कितनी बार झूठ बोल सकता है, कितने प्रकार का झूठ बोल सकता है, कहां कहां झूठ बोल सकता है, किस किस के सामने झूठ बोल सकता है, अगर इसके निकाले तो शायद ये नंबर 1 ले जाएंगे। और आने वाले 50 साल तक। लेकिन ये जो रोजगारी वाला उनका झूठ है वो मुझे सूट करता है, इसलिए आप हैरान हो जाएंगे। हमने मुद्रा योजना निकाली, मुद्रा योजना में बिना बैंक गारंटी हम लोन देते हैं। लोन लेने वाला कारोबार करने के लिए लोन लेता है। 4.25 करोड़ लोग वो हैं जिन्होंने जिंदगी में पहली बार बैंक से लोन लिया, 4.25 करोड़। इसका मतलब उन्होंने कोई रोजगार शुरू किया, इसका मतलब उन्होंने किसी एक को रोजगार दिया, किसी ने 2 को रोजगार दिया। करीब इन 5 साल के कार्यकाल में 6 लाख नए प्रोफेशनल्स आए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, वकील हो, डॉक्टर हो, 6 लाख। 6 लाख प्रोफेशनल्स आना मतलब किसी ने 2 लोगों को रोजगार दिया होगा, किसी ने 3 को दिया होगा, किसी ने 5 को दिया होगा रोजगार दिया। हमारे देश के अंदर पहले जितने रोड बनते थे उससे 8 डबल रोड बन रहे हैं। तो मैन पावर लगा होगा, रोजगार बढ़ा होगा,
पहले जितनी रेलवे बनती थी उससे डबल रेलवे बन रही है। पहले जितना इलेक्ट्रिफिकेशन होता था उससे डबल इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सारे कामों में रोजगार बढ़ा है। पहले सरकार ने अपने कार्यकाल में 25 लाख घर बनाए गरीबों के लिए, हमने 1.5 करोड़ बनाए, तो 6 गुना ज्यादा किसी न किसी को रोजगार मिला होगा। मैं अनगिनत चीजें आपको बता सकता हूं, लेकिन एक झूठ चलाया जा रहा है तो मुझे भी वो झूठ सूट करता है। मुझे मौका मिलता है देश को ये अकाउंट देने का।